नमस्कार आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हिलर में स्वागत है आर टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैंने आपको जैसे बताया था कि जीवन रेखा का रंग के बारे में बताया तो मैं रंग के बारे में बता रहा हूँ अब उसमें मैं जीवन रेखा की कोई भी रेखा पीछे से काटती है कोई आड़ी रेखा काटती है ठीक है जिसे हम राहु रेखा कहते हैं उसको जरा थोड़ा सा अलग ढंग से समझने की कोशिश करते ठीक है मैं क्या कहना चाह रहा हूं पहले समझो जीवन रेखा आड़ी रेखा और यहां से रेखा निकल कर किसी ग्रह पर पहुंचती है तो कौन सी बीमारी लगती है उसको समझने की कोशिश करते ठीक है थीके? अब आपने देखा होगा बहुत से पाम रीडर कहते हैं राहु रेखा है राहु रेखा है अब इस राहु रेखा ने काटा है आपको ना छः महीने तक आपको ना राहु रेखा का ना आपको प्रभाव रहेगा ये ये ऐसे कह के उल्लू बनाते हैं ना उल्लू बनाते हैं देखो समझो कैसे उल्लू बनाए जाते हैं लॉजिक समझो ये एक जीवन रेखा मैं यहाँ पर आया मान के चलो ये जो टाइम पीरियड है अड़तीस साल का टाइम पीरियड है थर्टी एट का टाइम पीरियड है यह मैंने यहां पर अपने मेजरमेंट टेप से यह अड़तीस साल बोला इस इतने से पतली सी रेखा को अड़तीस साल बोला समझते रहना अब मैंने जो अड़तीस साल बोला तो मैंने इसकी चौड़ाई को बोला चौड़ाई क्या है यह चौड़ाई होती है यह चौड़ाई है यह चौड़ाई है लंबाई क्या होती है यह लंबाई है ये लंबा इसे यहां तक करना चौड़ाई ये लंबाई है तो ये चौड़ाई जो है इसकी ये एक साल की है एक साल की है समझते रहिएगा एक साल है इसकी चौड़ाई अगर वो व्यक्ति कहता है कि यह रेखा इसकी लंबाई को देख के कहता है कि छह महीने आपको ये नुकसान पहुंचाएगी तो वो गलत है छह ये एक साल तक आपको मैंने कहा कि यह साल आपके लिए अच्छा नहीं जाएगा एक साल अगर मैं इसी फोटोग्राफ को चौड़ा कर देता हूं इतना करा तो यह रेखा अब यह चौड़ी होकर इतनी हो गई तो अब इसका आधा पोर्शन छ महीने सिक्स मंथ्स ठीक है सिक्स मंथ्स हो गए अब ये छः महीने जो हुए ये इसका आधा पोर्शन हुआ तो छः हुए अब मैं तीन महीने निकालता हूँ ठीक है तो मैं क्या करता हूं इसको और चौड़ा करता हूं तो ये एक पतली रेखा जो मैंने यहां तक चौड़ा करने पर देखी तो इसके मैंने तीन हिस्से करे जो कि लगभग लगभग आपको दिखाते हैं कि छः महीने का चार लगभग लगभग आप मान के चलो बारह का अगर मैं चार हिस्से करता हूं तो तीन महीने आएंगे चार हिस्सों में तीन महीने आएंगे इस एक साल की रेखा जो मैंने यहां पर समझाई एक साल इसको मैंने चौड़ा करा चार हिस्सों में बांटा तो तीन महीने निकले किसी के पास इतना पतला मेजरमेंट होता है नहीं है मेरे पास तो नहीं है मेरे पास चार महीने का है यानी मैं उसको फोटोग्राफ के हिसाब से कहीं मेरे ऑफिस में आ जाएगा तो मैं नहीं कर सकता उसकी पहले मैं फोटो खींचूंगा उसकी हाथ की फिर मैं उसको देखूंगा कितने साल जैसे किसी ने अपना एग्ज़ाम दिया एक एक महीने दो महीने का टाइम पीरियड है तब मैं उसको मेजरमेंट तब निकालता हूँ कि ये इसका लगेगी या नहीं लगेगी अब यहां पर डिस्टरबेंस किसी की है और ऊपर डिस्टरबेंस बस केवल दिखा रखी है बीच में तो है ही नहीं मान के चलो किसी की एक रेखा ये है और ऊपर ये है यहां डिस्टर्बेंस है तो आप क्या कहोगे उसको ये तो पॉइंट आया एक महीने की उसको दिक्कत है पंद्रह दिन की दिक्कत है क्या करोगे यानी उल्लू बना रहे हैं वो आपको नहीं समझ लेकिन अभी हम समझते हैं कि कोई यहां से रेखा निकलती है निकलकर ग्रहों पर पहुंच जाए वो रेखा निकल कर ग्रहों पे पहुंच जाती है तो कौन सी बीमारी को रिप्रेजेंट करती है ठीक है अब मान के चलो एक रेखा थी वो यूं का काटी और यूं काटने के बाद किसी भी कारण से वो सूर्य पर्वत पर पहुंच जाती है अब इसने किस रेखा को काटा लॉजिक समझो इसने किस रेखा को काटा इसने सबसे पहले काटा मस्तिष्क रेखा को उसने अपना डायवर्जन करा हृदय रेखा के पास और हृदय रेखा के पास से डायवर्जन करते हुए वो पहुंची सूर्य रेखा के पास अब इसको बाइफर्केट करके समझते हैं यहां पर एक रेखा हृदय रेखा पर टच है बाइफरकेट करा मैंने यहां पर एक रेखा यहां पर एक रेखा ऐसे एक रेखा ऐसे है और यह रेखा इस पर टच हो गई यह रेखा इस पर टच हो गई अब यहां पर मान के चलो हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशन है अब इस रेखा का मतलब क्या है यहां से एक भाग्य रेखा आई यह रेखा यहां पर टच हो गई यहां से एक रेखा निकली इस रेखा ने किसी भी कारणवश से एक रेखा का जुड़ गई अब बात वही निकली जो मैं समझा रहा। अब मैं थोड़ा सा फिल्टर करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस वक्त इस रेखा का मतलब क्या निकलेगा इसका मतलब क्या निकलेगा किसको बीमारी है इनकी घरवाली को अगर ये किसी मेल का हाथ है तो फीमेल को बीमारी होगी और अगर फीमेल है तो मेल को होगी आ रही है समझ आ रही है यस आ गई ये तो मैंने समझाने का एक तरीका बताया कि ऐसे अब ये बीमारी कब होगी जब ये रेखा इस रेखा को टच कर देगी ये भाग्य रेखा इस वाली रेखा को टच करेगी तो ये एक्टिवेट लाइट गर जल गई यानी ये टाइम पीरियड मान के चलो बयालीस साल का है बयालीस साल में इनकी वाइफ की अगर की तबियत खराब हो जाएगी फिर बयालीस साल को आपने यहां टेस्ट कर देना है। यहां पर कोई रेखा यहां से निकलकर कुछ ना कुछ कारण से टच होगी मैं तो आपको यहां यह वाली रेखा यहां ना निकल के बयालीस से ही निकल जाए यह भी हो सकता है आ गई समझ क्या समझा रहा था टेक्निकल चीजें आपको कोई चैनल नहीं समझाएगा इन चीजों का अब बात करते हैं हम कर रहे थे सूर्य क्षेत्र पर पहुंचने पर अब दो चीजों को बाई, अब बाइफरकेट करके समझते हैं यहां से एक रेखा निकली जैसे मर्जी मैंने जैसे अभी आपको तरीका बताया था मैंने यहां तक पहुंचानी है यहां तक पहुंचाने पर हृदय रेखा पर मैंने कहीं डॉट बना दिया यानी ये हृदय अब मुद्दा क्या था कि यहां तो सूर्य रेखा थी ये रेखा यूं गई और हृदय रेखा पर जाकर रुक गई यानी ये हृदय रेखा पर जाकर रुक गई एक पी यहां से एक जीवन रेखा से एक रेखा कट करती राहु रेखा हृदय रेखा पर जाकर रुक गई और यहां पर कहीं डॉट का निशान है मैं यह कहना चाह रहा हूं बिंदु का निशान है दीप बना हुआ है ठीक है तो क्या होगा अब इसको समझने के लिए जीवन रेखा के स्थान पर आपको देखना है कि यहां पर कोई कट का निशान अब नहीं आना चाहिए क्यों क्योंकि हृदय से संबंधित रोग हो गया है अगर इस टाइम पीरियड पर कोई कट का निशान आ जाता है तो ज्यादा हृदय से संबंधित हृदय रोग ज्यादा होगा ठीक है आ गई समझ आ गई ये काटने वाली रेखाओं को बता रहा हूं आ गई ठीक इस वक्त ना याद रखना उन व्यक्तियों का हाथ के उंगलियों के नाखून को जरूर चेक कर लीजिएगा कि नाखून क्या बता रहे हैं पीले नीले अगर हैं तो बीमारी ज्यादा बढ़ जाएगी ठीक है अगर यही रेखा काटने वाली रेखा मैं स्वास्थ्य रेखा के साथ मिला दूं ये रेखा स्वास्थ्य रेखा के साथ मिला दी ये यहां से जा रही है एक स्वास्थ्य रेखा है यहां से रेखा ऐसे रखकर ऐसे रखी अब इस स्वास्थ्य रेखा को मैं थोड़ा सा लहकदार कर देता हूं बस मामूली सा कर रहा हूं थोड़ा सा बस खत्म पीलिया हो गया जी पितरोग रोग हो गए जी ज्यादा बुखार तेज चढ़ जाता है जल्दी जल्दी ठीक है अब मंगल को कर देता हूं भैया मैं मंगल को कर देता हूं मंगल को मजबूत कर देता हूं ठीक है अब यहां पर मंगल यानी कोई एक रेखा अब ये मंगल ये भी है और मंगल ये भी है अब मैंने क्या करा एक रेखा को मैंने यहां पर सीधा गया सीधा गया सीधा गया सीधा गया सीधा गया सीधा गया मैंने ऐसे ऐसे बना दी इसके दो मतलब है जबरदस्त लॉसेस जबरदस्त लॉसेस प्रॉपर्टी में लॉस बिजनेस में लॉस सब कुछ चलो कुछ नहीं होता जी अब मैं क्या करूंगा इसका मतलब और क्या कर रहा हूं क्योंकि अब यहां पर इस मंगल को इस मंगल को पकड़ना है मुझे कि इस मंगल पर क्या आएगा इस मंगल पर ये यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस दिखा रहा हूँ मैं देखो देखो इसमें इस क्या कर रहा हूँ थोड़ी बहुत ऐसी ऐसी रेखाएं दिखा देता हूँ ठीक है कोई एक रेखा ऐसे निकलती निकलती एक रेखा ने ऐसे काट दी कुछ ऐसे दिखा दी बस इतनी सी रेखा दिखा रहा हूँ तो क्या हुआ ये ब्लड प्रेशर हो गया जी ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा रक्त संबंधी बीमारियां ज्यादा लगेंगी रक्त विकार होगा गले के संबंधित रोग लग जाएंगे यह नमोनिया जल्दी होगा इस बीमा ये याद रखिएगा ठीक है यह चीज समझ आ गई ठीक अब मान के चलो मैं अब थोड़ा सा इस रेखा को चंद्र पर लेके चल रहा हूं यानी जीवन रेखा से कोई रेखा निकलती हुई एक ऐसे काटती हुई यहां के यहां को चंद्र को हम ना तीन भागों में बांट रहे हैं ठीक है पहला भाग दूसरा भाग तीसरा भाग मैं क्या कर रहा हूं इसके पहले भाग पर इस रेखा को पहुंचा रहा हूं ठीक है अब यहां पर एक डिस्टरबेंस दिखाता तो यहां समझ लो कोई ना कोई साथ में डिस्टरबेंस जरूर होनी चाहिए एक ऐसे रेखा है ऐसे है कोई आ, यहां पर चीजें ऐसे एक कुछ ऐसे चीजें बन गई मान के चलो ये, ये बन गई तो ये रोग उसकी पकड़ में नहीं आएगा लास्ट में पता लगेगा उसको अंतड़ियों के रोग होंगे के रोग समझते हैं इंटरस्टाइन संबंधित फेफड़े संबंधित पानी संबंधित ठीक है ये वाले रोग अब इसके ये ही रेखा को मैं बीच वाले क्षेत्र में डाल दूं एक एक रेखा को काटते हुए बीच वाले क्षेत्र में डाल दूं और वहां डिस्टरबेंस दिखा दूं ठीक है तो उसको और उसका उसका भी समझ लेते हैं उसमें क्या होगा उसका मतलब यह है कि आपकी लाइफ में जो बीमारी का स्तर है वो और बढ़ जाएगा इसके अंदर गठिया रोग को और डाल देना वायु संबंधित रोगों को और डाल दीजिएगा यानी अब आपको गठिया रोग वायु संबंधित रोग यह और डालने शुरू कर दो अगर तीसरे वाले पे चलते हैं नीचे वाले पर चलते हैं अगर नीचे वाले पर चलते हैं तो यहां पर क्या होगा यहां पर सारी बीमारियां शनि वाली लग जाएंगी अब मैंने गठिया रोग जो बोला था वो भी एक्चुअल में शनि का ही पार्ट होता है ठीक है तो ये शनि वाले सारे रोग लगेंगे इसको इस व्यक्ति को यानी आप समझ लो ये नीचे वाली जो होती हैं शनि का रोग क्या है दुर्घटनाएं उसका उसका कारक क्या बनेगी दुर्घटना है चलते चलते गिर जाना चलते चलते गिर जाना स्कूटर चला रहे थे वो जो स्किट हो गया जी मेरा तो स्लिप मार गए ये शनि का कारक है समझ रहे हो बिजली का कारक जी करंट लग गया था शनि का कारक है समझ रहे हो चोरी हुई चोर ने जाते जाते डंडा मार दिया हाथ टूट गया शनि का कारक है ठीक है ना कहीं जा रहे थे एक्सीडेंट हो गया बस पकड़ रहे बस का डंडा पकड़ा डंडा पकड़ नहीं पाए गिर गए शनि का कारक है यात्रा में जा रहे थे वहां कोई दिक्कत आई शनि का कारक है अब यहां पर कोई रेखा घुमा दूं मैं यात्रा में जा रहे थे इतनी अड़चने आई शनि का कारक है कि बीमार हो गए बीमार के कारण हम वापस आना पड़ा हमें यह बस एक घूम कर रेखा बन जाए इस जगह पर या ऐसे यहां पर रुक जाए या यहां रुक जाए आपको विदेश से वापस लाकर बीमारी के कारण आपको ला देगी आप जा नहीं पाओगे रह नहीं पाओगे वहां से वापस आना पड़ेगा चाहे अब मान लो कोरोना वायरस के कारण या किसी के कारण जी वहां ऐसे ऐसे ऐसी स्टास हुए वहां फंस गए थे वहां से वापस आना पड़ा बीमार हो गए वो बुखार हो गया बस वहां से एयरपोर्ट वालों ने कहा वापस चलो 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 ये वो रेखाएं बन गई ठीक है ना यहां पर अगर द्वीप आ जाएगा तब भी वही मतलब आएगा मुद्दा समझ आ गया थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन इसलिए करता हूं कि आपको उसकी फंडामेंटल समझ आए जो किसी और चैनल पे नहीं समझ आते हैं ठीक है अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा कमेंट जरूर कीजिएगा धन्यवाद